गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं मेरे दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डॉग बाइट, रेबीज, हाइड्रोफोबिया के बारे में। रेबीज के सिम्टम, कौन से जानवर के काटने से रेबीज होता है, रेबीज बीमारी से बचने के उपाय और डॉग बाइट पर कितने इंजेक्शन लगाना चाहिए, इन सब टॉपिक पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेबीज क्या है या रेबीज बीमारी किसे कहते हैं। रेबीज एक वायरस से होने वाला बीमारी है। उस वायरस का नाम है रेबीज वायरस। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। जब भी ये वायरस किसी एनिमल के अंदर आता है और ये एनिमल किसी इंसान को काट लेता है तो उस इंसान के अंदर में रेबीज वायरस पहुंच जाता है या उस इंसान के अंदर रेबीज वायरस आ जाता है। आमतौर पर रेबीज वायरस एनिमल के लार में पाया जाता है, यानी मुंह से टपकने वाला जो सलाइवा है उसमें पाया जाता है। रेबीज बीमारी का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं निकला है। रेबीज बीमारी सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होता है, बल्कि इनके अलावा चमगादड़, लोमड़ी, खरगोश, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, भालू, बकरी, मतलब जितने भी जंगली जानवर या घरेलू जानवर हैं, अगर ये आपको काट लेता है तो आपको भी रेबीज बीमारी हो सकता है। पहले के जमाने में आम तौर पर कुत्ता काटने के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन का कोर्स 6 इंजेक्शन का होता था, लेकिन अब एंटी रेबीज वैक्सीन का बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, जिसमें टोटल डॉग बाइट के 4 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। पहला डोज कुत्ता काटने के दिन ही लेना पड़ता है, यानी जिस दिन आपको कुत्ता काटा है उस दिन आपको पहला डोज लेना पड़ेगा और इसके साथ आपको टीटी का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है, यानी एक बाजू में आपको टीटी का इंजेक्शन लेना होगा और दूसरे बाजू में डॉग बाइट का इंजेक्शन लेना होगा। दूसरा डोज तीसरे दिन, तीसरा डोज 7वें दिन और चौथा डोज 14वें दिन। अगर आप एंटी रेबीज के कोर्स को पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको रेबीज हो सकता है, इसलिए आप जब भी एंटी रेबीज का वैक्सीन लें तो पूरे कोर्स को कंप्लीट करें। अगर रेबीज के सिम्टम की बात करें तो रेबीज के सिम्टम जानवर के काटने के तुरंत बाद दिखाई नहीं देता है। जब वायरस 5 से 10 दिन के बाद ब्रेन में पहुंच जाता है तब इनके सिम्टम दिखाई देता है। हालांकि रेबीज वायरस स्पेशली ब्रेन को डैमेज करता है। रेबीज वायरस के शुरुआती सिम्टम इस प्रकार हैं, जैसे सिर में दर्द, बुखार, गले में खराश, जिस जगह पर आपको कुत्ता काटा है उस जगह पर झुनझुनी महसूस करना, मुंह से अधिक लार आना यानी सलाइवा आना, पानी देखकर डर लगना, खाना खाने में दिक्कत, कंफ्यूजन, नींद की कमी, कुत्ते जैसी आवाज निकालना, अजीबोगरीब हरकत करना, ये सब थे डॉग बाइट यानी रेबीज के सिम्टम। अगर रेबीज के ट्रीटमेंट की बात करें, यदि आपको किसी आवारा कुत्ते या जंगली जानवर काट लिया है तो आपको ये मान लेना अकलमंदी होगा कि इस जानवर को रेबीज है और आप अपनी जान बचाने के लिए घाव और उनके आसपास के एरिया को पानी और साबुन से अच्छी तरीके से वाश करें और तुरंत किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर एंटी रेबीज का टीका लगवाएं और इनके साथ साथ एक टीटी का इंजेक्शन भी लें। अब हम बात करेंगे रेबीज की रोकथाम के बारे में, यानी हम रेबीज से कैसे बचें। इसके लिए आपको पालतू जानवरों का नियमित रूप से टीकाकरण करना होगा। आप अपने पड़ोसी और दोस्तों को भी अपने पालतू जानवरों का टीकाकरण करने बोलें। चमगादड़ या किसी तरह के जंगली जानवर को अपने घर पे ना आने दें, जैसे जंगली कुत्ते, बिल्ली इत्यादि, और आप अपने पालतू कुत्तों को जंगली कुत्तों के साथ खेलने ना दें। ये सब थे रेबीज से बचने के तरीका। रेबीज वाले कुत्ते की पहचान कैसे करें? रेबीज वाले कुत्ते के मुंह से सलाइवा या लार आना, लड़खड़ा के चलना, दौड़ने में परेशानी होना, अजीब सा हरकत करना, किसी भी इंसान को देखकर बार बार भौंकना, कुछ खाने या पीने में परेशानी होना, अगर ये सब सिम्टम किसी जानवर या कुत्ते में आपको दिखाई देता तो आप फौरन सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसे जानवर में रेबीज हो सकता है। एंटी रेबीज वैक्सीन की कीमत की बात करें तो आमतौर पर एंटी रेबीज वैक्सीन किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यह वैक्सीन फ्री में दिया जाता है।
क्या प्रेग्नेंट वुमेन रेबीज वैक्सीन ले सकता है? रेबीज का वैक्सीन सभी प्रकार के लोग ले सकता है, चाहे वो प्रेग्नेंट महिला हो या बच्चे या बुजुर्ग आदमी, या फिर कैंसर के पेशेंट हो, या फिर शुगर के पेशेंट हो, या थायराइड के पेशेंट हो, सभी प्रकार के लोग रेबीज का वैक्सीन लगा सकता है। रेबीज वैक्सीन पेट के बजाय हाथों में क्यों लगाया जाता है? पुराने जमाने में रेबीज के 6 डोज का वैक्सीन आता था जो पेशेंट के स्टोमक में दिया जाता था। अब एंटी रेबीज का बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, इसलिए स्टोमक के बजाय शोल्डर में इसका वैक्सीन दिया जाता है। रेबीज वैक्सीन दो तरीके से लगाया जाता है, पहला IM और दूसरा ID, यानी इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल। इंट्रामस्कुलर यानी हाथ के मांसपेशियों के अंदर दिया जाता है, और इंट्राडर्मल यानी स्किन के एक लेयर के ऊपर दिया जाता है। दोनों वैक्सीन में से इंट्राडर्मल वैक्सीन ज्यादा इफेक्टेड होता है, क्योंकि ये कम मात्रा में दिया जाता है और उतना ही असरदार होता है जितना इंट्रामस्कुलर वैक्सीन होता है। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन का 5 डोज दिया जाता है और इंट्राडर्मल वैक्सीन का 4 डोज दिया जाता है। कुत्ता काटने के कितने दिन बाद वैक्सीन लेना चाहिए? ऐसे तो कुत्ता काटने के तुरंत बाद आपको वैक्सीन ले लेना चाहिए, अगर आप उस दिन किसी रीजन से या कोई काम के वजह से वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आप 72 घंटे के अंदर आप एंटी रेबीज का वैक्सीन ले लें। अगर पेशेंट 72 घंटे के अंदर एंटी रेबीज का वैक्सीन नहीं लेता है, तो वो रेबीज की चपेट में आ सकता है। अगर पेशेंट रेबीज की चपेट में आ गया है, तो रेबीज का कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है। 72 घंटे के बाद रेबीज आपके पूरे जिस्म और ब्रेन तक फैल चुका होगा। एक बार रेबीज अगर आपके ब्रेन तक पहुंच गया, तो इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर आप इसके बाद एंटी रेबीज का वैक्सीन लेते हैं, तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। अगर आपको कुत्ता काट लिया है, तो आपको ये सब गलती नहीं करना है, जैसे घाव पर पिसी हुई लाल मिर्च ना लगाए, घाव पर बैंडेज या पट्टी ना बांधे, किसी ओझा और तांत्रिक के पास ना जाएं, जितना जल्दी हो सके आप घाव को पानी और साबुन से धोएं, और अपने किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉग बाइट के कैटेगरी, यानी डॉग बाइट के कितने कैटेगरी होते हैं? WHO ने 3 कैटेगरी में डॉग बाइट को डिवाइड किया है। पहले कैटेगरी में आता है कुत्ते ने आपके स्किन को चाटा, या आपके स्किन को टच किया, या फिर आप कुत्ते के स्टूल और यूरिन के संपर्क में आए हैं। दूसरा कैटेगरी में आता है कुत्ते ने आपको खरोंच लगा दिया, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुआ। जहां पे आपको खरोंच लगाया है, वहां पे नीला निशान आ गया है। कैटेगरी 3 में ये सब शामिल है, कुत्ते ने काटा आपको और स्किन आपका फट गया, या आपके स्किन से ब्लड आ रहा है, या आपके आईज और माउथ को चाट लिया है, या आपके पैर और हाथों में जख्म था, कुत्ते ने उसे चाट लिया। कैटेगरी 2 और 3 में वैक्सीन लेना जरूरी पड़ता है, लेकिन कैटेगरी 1 में वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ आप TT का इंजेक्शन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे, डॉग बाइट वैक्सीन का पूरा डोज ले लिया है, लेकिन कुत्ता हमें फिर काट लिया है, तो क्या इसके लिए हमें दोबारा वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगा? हाँ, इसके लिए आपको फिर से दोबारा वैक्सीन लेने की जरूरत है, लेकिन आपको 4 डोज नहीं, बल्कि आपको 2 डोज लेना है वैक्सीन का। ऐसे कंडीशन में आप एंटी रेबीज वैक्सीन का सिर्फ 2 डोज ही लेंगे। पहला डोज जिस दिन आपको कुत्ता काटा है, उस दिन लेना है, और दूसरा डोज कुत्ता काटने के 3rd दिन बाद, यानी जिस दिन आपने पहला डोज लिया, उसके 3rd दिन आपको दूसरा डोज लेना है। मार्केट में बहुत से एंटी रेबीज वैक्सीन आता है, लेकिन मैं आपको कुछ एंटी रेबीज वैक्सीन के नाम बता देता हूँ, जैसे अभेरब, पेबीवैक्स एस, जुनूवैक्स वी और रावावेट। प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये जानकारी कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम जरूर टाइप करें। बस आज के लिए इतना ही, आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।